प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप अपने आत्मिक जीवन में आशीषित हो रहे हैं और हमारे द्वारा प्रचार किए गए संदेशों के माध्यम से आप अपने जीवन में आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर आज भी आपके हित की बातें करना चाहते हैं। जो वचन उन्होंने मुझे आपके लिए दिया है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तभी आपके जीवन में प्रभु की कृपा को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है। आज इस संसार में ढेर सारे लोग बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। मैं कल कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कौन सी जॉब करूंगा, कब करूंगा, किससे विवाह करूंगा, बहुत सी चिंताओं में आज का इंसान रहता है। मगर बाइबल हमारे इन सवालों पर स्पष्ट जवाब देती है। सब उपदेशक 3 अध्याय उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हाँ प्रियो, हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से, हमारे अपने परिश्रम से हमें कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि वचन बताता है हर एक बात का एक अवसर है, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर होता है एक समय है। ना तो समय से पहले कुछ हो सकता है, ना समय के बाद। परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि सब चीजें अपने अपने समय पर सुंदर होती हैं। आज आप अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर जी रहे हैं, मगर प्रभु कह रहे हैं आपको ऐसी चिंता नहीं करनी है। चिंता एक पाप है, क्योंकि प्रभु के स्वभाव में चिंता नहीं है, विश्वास है, भरोसा है। जब आप चिंता करते हैं तो आप ये दर्शाते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। आपको जो कुछ करना है खुद ही करना होगा। मगर जब आप चिंता नहीं करते हैं तब आप परमेश्वर को दर्शाते हैं कि आप उन पे भरोसा रखते हैं, आप उन पे विश्वास कर रहे हैं, और निश्चय वो आपके जीवन की हर एक घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करेंगे। इसलिए प्रियो निराश ना हो, क्योंकि सब बातें मिलकर उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं भलाई लेकर आती है। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आज आपको ऐसा लगता है कि रास्ते बंद है, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, प्रभु पे विश्वास रखिए, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। इसराइलियों को ऐसा लग रहा था कि लाल समुद्र में वो डूब के मर जाएंगे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे मिस्र की सेना उन्हें तलवार से मार डालेगी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। जब मूसा ने परमेश्वर पे विश्वास किया तो सारे इसराइलियों ने परमेश्वर की महिमा को देखा, असंभव को संभव होते हुए देखा। लाल समुद्र 2 भागों में बट गया और वो मिस्र की सेना से बचकर उस समुद्र से पार होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा देश की ओर चल पड़े। इन द सेम वे शायद आज आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा है, आपको अपना जीवन जंगल जैसा महसूस हो रहा है, शायद आज आप बहुत परेशान है। घबराइए मत, निराश मत होइए, प्रभु है आपके साथ। वचन में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। आपको विश्वास करना है, आपको भरोसा रखना है, चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु ने आपके लिए रास्ता निकाल के रखा है। वो जंगल में मार्ग बनाएंगे, वो आपके जीवन के उन तमाम परिस्थितियों में जहां पर आपको लगता है कि मार्ग नहीं है, आपकी आंखों के सामने वो मार्ग बना के दिखाएंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में लिखा है, तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। आप अपने भविष्य के विषय में चिंतित ना हो, आपको नहीं मालूम कल क्या होगा, मगर प्रभु ने
सब कुछ पहले से आपके लिए तैयार कर रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो जानते हैं कि आपके जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने आपको आपकी मां के गर्भ में रचा, आज के दिन तक आपको भला चंगा रखा, आपके आत्मा प्राण देह में उन्होंने अपना बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दी है कि आप अपने जीवन के हर एक कार्य को कर पाते हैं। वो इतनी बातों की चिंता आपके लिए पहले से कर चुके हैं। आप चिंता करके पाप ना करें। चिंता का कार्य प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आपको तो मात्र विश्वास करना है और भरोसा रखना है। विश्वास करने से, भरोसा करने से आपके जीवन में प्रभु के कार्य होने लगते हैं। हर एक बात का एक समय है। सही समय पर आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी समय यह है कि आप प्रभु को पुकारें। अभी समय है ये साबित करें कि आप उन पे विश्वास करते हैं। वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें और जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार कार्य करें। परमेश्वर के वचन को कभी भी अपने से दूर ना जाने दें। हमेशा आप इन वचनों के आधार पर जीवन जी। हिजकिय्याह राजा के विषय में ऐसा लिखा है कि वो हर वक्त परमेश्वर से लिपटा रहता था। लिपटने का मतलब यह है कि वो प्रभु के वचन में लिपटा रहता था। जब वो वचन का पालन करता था तो वो परमेश्वर के साथ लिपटा रहता था। जब आप वही करते हैं जो बाइबल में लिखा है, आप परमेश्वर के साथ लिपट जाते हैं। प्रतिदिन आप प्रभु के संग रहते हैं। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आपको घेर लेती है और आपके जीवन के एक क्षेत्र में उत्तम आशीष लेकर आती है। इसलिए आज ही से आप अपनी समझ का भरोसा लेना छोड़ दीजिए। चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु के संग चलिए। सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को लेकर आएगी। वचन में लिखा है भजन संहिता 127 अध्याय के पहले पद में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आपका घर प्रभु बनाएंगे और आपके घर को प्रभु ही संवारेंगे और वही आपके घर की रक्षा भी करेंगे। इसलिए यदि आपका घर प्रभु ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम ही व्यर्थ होगा। ये प्रभु है जो आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। आज आप में से बहुत सारे लोग अपने घर के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु चाहते हैं आप एक सदा ठहरने वाले घर की ज्यादा चिंता करें, जो इस पृथ्वी का नहीं स्वर्ग राज्य का है। उस राज्य में जाने के लिए जहां पर आपका स्वदेश है, ज्यादा परिश्रम करें। बाकी सब बातें प्रभु पे छोड़ दीजिए। वो आपको इस संसार में भी 100 गुण आशीष देंगे ऐसा लिखा है, मगर आपकी असली संपत्ति परमेश्वर का नगर है, प्रभु का दिया हुआ जीवन है। आप इस जीवन की रक्षा करें। संसारिक चिंताएं और अभिलाषाओं के कारण आप स्वर्ग राज्य से ना चूक जाएं, आप प्रभु की कृपा से दूर ना हो जाएं। प्रभु पे भरोसा रखें, आपके लिए चमत्कार हो रहा है। प्रभु आपका घर बना के रखेंगे। आपके घर में एकता, मेल मिलाप, शांति, भाईचारा पाया जाएगा। आपके परिवार के द्वारा बहुत से दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की प्रभु सुधी लेंगे। आपके घर प्रार्थना के घर कहलाएंगे। जो कोई भी आपके घर में आएगा वो ये कहेगा कि यहाँ प्रभु रहते हैं, मैंने यहाँ पे प्रभु को महसूस किया है। वो चमत्कार को पाएंगे। लोग रोते हुए आएंगे आपके घरों में और आनंद के साथ लौटेंगे। बीमार रहेंगे परंतु चंगाई के साथ लौटेंगे। निराशा में आएंगे मगर आशा लेकर लौटेंगे। इस प्रकार से प्रभु आपकी जिंदगी को बनाने जा रहे हैं। आप इसे कितने लोग इस जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज ही आप प्रभु को ये दर्शाएं, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे ऐसे जीवन चाहिए जो बताया जा रहा है। मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ओ प्रभु मेरे दिल में आइए, आप मेरे जीवन के रक्षक हैं, मालिक हैं, मुझ पे राज्य कीजिए। ऐसा कहकर आप प्रभु को पुकारिए। ही विल कम एंड ही विल ब्लेस यू। हालेलुया। फिर आगे इस वचन में लिखा है कि यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। प्रभु ना सिर्फ आपको घर बना के रखेंगे मगर आपकी रक्षा भी करेंगे। वो आपके व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, सामाजिक, आर्थिक, सेविकाएं के जीवन की, आपके बच्चों की रक्षा रखवाली करेंगे। उन्हें सब बातों का ज्ञान है, उन्हें आपके सब जीवन की चिंता है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, प्रभु न सिर्फ आपके आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं
मगर उन्हें आपके भौतिक जीवन की भी चिंता रहती है। ठीक संसार के माता पिता हमारी कितनी चिंता करते हैं, परमेश्वर कहता है इससे बढ़कर मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। मैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता हूं, उनकी हर एक घटी पूरी करना चाहता हूं, मगर हमें कुछ कार्य करना है। मत्ती 6:33 पद में लिखा है कि हमें पहले प्रभु और उसके राज्य की खोज करनी चाहिए। सर्वप्रथम पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए, प्रभु के सम्मुख साबित करना है कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, तब सारी बातें अपने आप आपके लिए हो जाएंगी। प्रभु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी महान मर्जी को पूरा करेंगे। आशीष आपको खोजती भी आएंगी। जब आप प्रभु को खोजते हैं तो आशीष आपको खोजती भी आती है, आपकी हर एक घटी पूरी होगी। मगर इस बात का ध्यान दें, प्रभु आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, प्रभु आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए बेहतर है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है। इसलिए हर एक बात का एक समय है, मगर सही समय पर हर एक आशीष आपको मिलेगी। आपको अपने जीवन को संवारना है, आपको अपने जीवन को सुधारना है, आपको पाप की जिंदगी छोड़नी है, वचन से लिपटे रहना है, वचन का पालन करना है। जो प्रभु को पसंद है वो आपको करना है, फिर जो प्रभु को पसंद है वो आपके जीवन में करके दिखाएंगे। यदि आप प्रभु की मर्जी अपने जीवन में पूरी करते, वचन के अनुसार जीवन जीते, तब परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन से बह निकलेगा, आपके द्वारा प्रभु की पहचान होगी। ये कितना ही अद्भुत अनुभव होगा जब परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेंगे। इसलिए प्रियो, निराश ना हो। आज आप किसी भी परिस्थिति से होके क्यों ना जाए, कोई आपकी सहायता करने को तैयार नहीं, मगर प्रभु आपकी सहायता करने को तैयार है। सबसे पहले आप अपने पापों से बाहर आइए, जो गलतियां आपने की उसको मान लीजिए, अपने पापों को छोड़ दीजिए, बोलिए प्रभु मैं वादा करता हूं अब पाप नहीं करूंगा, मैं पाप का कार्य नहीं करूंगा, पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा। यदि आप इसमें स्थिर भी रहते हैं, पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, वो आपको आज्ञाकारी होने के लिए विश्वास योग्य बनाएगा, आप प्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे, फिर प्रभु के कार्य आपके संग हो लेते हैं और प्रभु के आशीष आपके जीवन में आना शुरू कर देते हैं। जितने बीमार हैं आप कह सकते हैं कि प्रभु मुझे चंगा करेंगे। जब आप चंगा होने के लिए अपना आप को समर्पित करेंगे तब प्रभु आपको चंगा कर देंगे। 38 साल से वो व्यक्ति चंगाई की खोज में था, तो भी प्रभु यीशु ने उसको यही सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? उसने कहा यस आई वॉन्ट, मैं चंगा होना चाहता हूं, और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। प्रभु चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के समान अपनी आंखें प्रभु की ओर लगा के रखें, अपना भरोसा मजबूत रखें, निराश ना हो। प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर करेंगे। प्रभु आपसे पूछेंगे क्या आप चमत्कार पाना चाहते हैं, क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि आप कहें हां मैं चाहता हूं। वेट एंड वॉच, A blessing is on the way and Jesus is going to bless you so much. प्रभु आपको bless करने जा रहे हैं। पर आपको ये जानना जरूरी है, जब आप अपनी बातों में स्थिर रहते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है। नीति वचन 24:3 पद में लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनता है मगर समझ के द्वारा स्थिर होता है। प्रभु चाहते हैं कि आप एक सही समझ रखने वाले व्यक्ति बने, ताकि आपके द्वारा प्रभु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको स्थिर कर दे। कैसे स्थिर होंगे? बाइबल बताती है इफिसियों 4:1 उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। बंदी का अर्थ यहां पर यह नहीं कि वह कैदी है या निराश है, परेशान है। उसने अपने आप को प्रभु की अधीनता में समर्पित कर दिया है। वो हमेशा के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर चुका है उसकी सेवा करने के लिए। वो प्रभु का बंदी अर्थात प्रभु के लिए उसके वचन में बंधा हुआ है और वो उससे कभी आजाद नहीं होना चाहता, क्योंकि वो प्रभु का दास है। और ये वचन हमें ऐसे बता रहा है कि पौलुस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। प्रभु ने आपको बुलाया है, चेक योर हार्ट। आपको बुलाया तभी आप ये संदेश सुन रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बुलाहट है, आपके पास एक कॉलिंग है। मगर आप इस बुलाहट में परमेश्वर की स्पष्ट आवाज को तभी सुन सकते हैं जब आप अपनी बुलाहट को महसूस करते हैं, आप उसे पहचान पाते हैं और उसके योग्य चाल चलते हैं। जब आप संसार में पिता बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पिता की भूमिका आने लगती है।
आप पिता के कैरेक्टर को प्राप्त करने लगते हो और आप एक अच्छे पिता साबित होने का भरसक प्रयास करते हो। इन द सेम वे जब प्रभु आपको बुलाहट देते, प्रभु आपको पुकारते, आप सुधरने लगते हैं, आप बदलने लगते हैं, आप परिवर्तित होने लगते हैं, क्योंकि आप हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। इसलिए पौलुस भी कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी में स्थिर रहो। कैसे? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। नम्र होना है, दीन होना है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है और अपने विरोध में उठने वाले हर एक बुराई के प्रति क्षमा का भाव रखना है, तरस और दया को रखना है। इस रीति से जब हम मेल मिलाप को यत्न के साथ बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। दीनता का अर्थ होता है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं। नम्रता का मतलब है प्रभु बहुत कुछ है। दीन मनुष्य अपने आप को कुछ नहीं समझता, परंतु अपने सामने वाले को ज्यादा बेहतर समझता है। शैतान यहां पर कुछ और सिखाता है, अपने आप को ज्यादा बेहतर समझो, बाकी सबको तुच्छ। मगर प्रभु ऐसा सिखाते हैं, अपने आप को कुछ भी मत समझो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान भी नहीं होना है, हमें स्वयं की बड़ाई नहीं करनी है, मगर हमें दूसरों को अपने से बेहतर जानना है। यही दीनता और नम्रता है और इसी को कैरी करके हमें चलना है। सारी नम्रता और दीनता के साथ और धीरज धरकर हम एक दूसरे के लिए एक आदर्श बनना है और एक दूसरे की हमें सह लेना है, माफ करना है, तरस और दया का भाव रखना है, द नेचर ऑफ क्राइस्ट। इस रीति से हम आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए यत्न करते हैं। अगर आप इस रीति से करते हैं तो प्रभु आपके घर में आएंगे, प्रभु आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन के एक क्षेत्र में अपने आशीष को देंगे, अपनी उपस्थिति को देंगे। ये कितना अद्भुत होगा जब इस प्रकार से आपके जीवन में आशीष आएगी। जब प्रभु आपके इतने करीब रहेंगे तो किस बात की चिंता। बाइबल में ऐसा लिखा है, इस रीति से वो लोग जो इस वचन के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे, नीति वचन 3:33 पद में जैसा लिखा है कि दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष रहती है। आपके जीवन में प्रभु की आशीष रहेगी, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी, प्रभु की कृपा आपके परिवार में रहेगी, आपके जीवन के एक क्षेत्र में रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में रहेगी। और इस रीति से प्रभु आपको ब्लेस करेंगे फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, मेटलिस्टिकली। Enjoy the presence of God Almighty all the days of your life. प्रभु आपको ऐसे ही आनंद का जीवन देना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 28:8 पद में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा तुझे आशीष देगा। प्रभु आपको वादा कर रहे हैं, अगर आप इस रीति से चलेंगे, जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे, He will bless you. और ऐसा लिखा है कि इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आपके घर में, आपके देश में, जिस स्थान में आप रहते हैं, प्रभु आपको इंक्रीज करेंगे, आपके टेरिटरी को एनलार्ज करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको शांति देंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रभु आपको आकाश में तारों की नहीं चमकाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के द्वारा उसकी स्तुति होगी, उसकी महिमा होगी। इसलिए प्रियो, कभी भी अपनी समझ का सहारा ना लें और उतावलपन, चंचलता, जल्दबाजी और ठिठाई में कोई फैसला ना ले, कोई कार्य ना करे। ये स्वभाव शैतान का स्वभाव होता है। आपको संयमी होना है, धीरजवंत होना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, लव द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में समय बिताना है। आपको कल्पना भी करनी है तो प्रभु के वचन से करना है। आपको विचार कोई कर रखना है तो प्रभु के वचन से रखना है। इससे बाहर आप अपने आप से बात करने वाले ठहरेंगे। There is a life in the word of God. There is a blessings in the word of God. He said, let there be light and there was light. जब प्रभु बोलते हैं तो प्रकाश होता है, उसकी बातों के खुलने से प्रकाश आता है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पढ़ना, उस पर विश्वास करना, उसके अनुसार जीना शुरू करेंगे, यह आपकी जिंदगी में प्रकाश लेकर आएगा, बढ़ोतरी लेकर आएगा, आशीष लेकर आएगा, सुरक्षा लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया।
इसलिए जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे प्रभु आपको सफलता देंगे, क्योंकि आपने यीशु का वचन सुना है, उस पर विश्वास किया, उसके अनुसार कार्य करने के लिए आपने अपने आप को प्रभु की अधीनता में समर्पित किया है, तो यह आपकी जिंदगी में चमत्कार को लाएगा। ना तो समय से पहले कुछ होगा ना समय के बाद, चिंता ना करें। जिस कार्य का जो समय प्रभु ने ठहरा दिया है 100% उसी में आपका कार्य होगा। परमेश्वर ने संसार में संतान आने के लिए एक समय रखा है, वह 9 महीने। एक स्त्री जो गर्भवती होती है 9 महीने के बाद जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो हम उस बच्चे को मैच्योर बोलते हैं, मैच्योर डिलीवरी। मगर यदि कोई बच्चा 9 महीने से पहले पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्री मैच्योर। और उसमें कई सारी खामियां होती, कई परेशानियां होती। अब आपको यह सोचना है कि आपको प्री मैच्योर ब्लेसिंग्स चाहिए या मैच्योर, पका हुआ फल चाहिए या कच्चा। कच्चा चाहिए तो आप चिंता कीजिए और प्रभु के विरोध में कार्य कीजिए, मगर यदि आपको पका हुआ फल चाहिए तो विश्वास कीजिए, धीरज धरिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको आपकी आशीषें पका कर देंगे। एंड ही विल ब्लेस यू टू मच। आइए प्रार्थना करें और अपने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि वचन के मुताबिक जब आप जिंदगी जिएंगे तभी आपके जीवन में प्रभु की आशीष को और उसके मुख के प्रकाश को चमकाएगी और आपके द्वारा बहुतों को आशीषित करेगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज इन्होंने वचन सुना है, प्रभु आप इनकी जिंदगी से बातचीत कर चुके हैं कि अपने जीवन के किस किस क्षेत्र में आज व्याकुल है, परेशान है, निराश है, मे भी ये बीमार है प्रभु, कर्जों से पीड़ित है और ये फ्रूटफुल नहीं है, इनके पास संतान नहीं है, इनके पास अच्छे जीवन साथी नहीं है। आप इनकी सारी चिंताएं जानते हैं। लॉर्ड जीसस आई प्रे विद ऑल माय हार्ट, आई प्रे आप मेरे लोगों पर कृपा करें, इनके जाने अनजाने में किए गए पाप क्षमा कर दीजिए। यीशु अपने लहू से आपने धोखे शुद्ध करें। आज एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा आप इनको दे, इनकी चिंताएं दूर कर दे, इनकी वेदना दूर हो जाए, इनकी पीड़ा दूर हो जाए, इनकी जिंदगी सारी कमजोरी दूर हो जाए। और मेरी प्रार्थना है प्रभु आपने वचन पढ़ने वाला बनाइए, प्रार्थना करने वाला बनाइए, आप पर भरोसा रखने वाला बनाइए, आप इन्हें पॉजिटिव कीजिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप इनके व्यक्तिगत जीवन में चमत्कारों को करें, इनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में चमत्कारों को करें, आप स्वयं इनके दिलों में आए और इन्हें अपने स्वभाव से भर दीजिए। प्रभु प्रभु ये बहुत सी बातों की चिंता कर रहे हैं, परंतु आज से आप इनकी चिंताएं दूर कर दें, सब बातें मिलकर उनके लिए जो आपसे प्रेम करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, भलाई को लाती है, तो आप इनके जीवन में भलाई को लाए, आप इनका घर बनाए रखें, आप इनको उनके शत्रु से आजाद करें। प्रभु आज जो बहुत सी बातों की चिंता कर रहे हैं, उनको लगता है कोई रास्ता नहीं है, जैसे आपने लाल समुद्र में रास्ता बनाया, वैसे आप इनके जीवन की परिस्थितियों में रास्ता बनाइए प्रभु, ताकि ये आपको धन्यवाद करें और आप पे विश्वास करें, हर एक वैवाहिक जीवन को आशीषित करें और फ्रूटफुल करें, और आप इनके चेहरे पे चमत्कार को चमकाएं। आशीष दे स्वामी। हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस। आप इनका घर बनाए प्रभु, आप इन्हें शांति दे प्रभु, आप चमत्कार करें प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह दे, आप अपने हरेक दास दासी को आशीष दे, उनकी सेविकाएं में उन्हें बढ़ोतरी दे, उनकी हरेक घटी कभी पूरी करें। इन दिनों में बहुत से लोग प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होके जा रहे हैं, आप दरवाजा खोलें, क्योंकि ज्यादा ठहरने वाला धन आप देते हैं प्रभु, आप इनको फाइनेंशियल तरीके से ब्लेस करें। जो दोज़ नीड अ फाइनेंस, यू गिव इट टू देम इन जीसस नेम, ताकि प्रभु ये अपनी जिंदगी को जी सके। यू ब्लेस देम फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, मेटलिस्टिकली यू ब्लेस देम। लॉर्ड विल हेल्प यू, जीसस विल हेल्प यू। माय ब्रदर, प्रभु यीशु आपकी चिंताएं देख रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा आप उन्हें थाम लीजिए, विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा, आप इस ऐसे कार्य को ना करें जो आपके जीवन में जीवन नहीं परंतु मृत्यु को लेकर आएगा, आत्महत्या करना, नर्क का दरवाजा खोलना है, आप इस रीति से कोई कार्य ना करें। प्रभु के सम्मुख आए,
प्रभु पे विश्वास करें। जब ये आप वचन सुन रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए क्रूस पे जान दी है। वो आपके हार्ट को हील कर रहे हैं, वो आपके जीवन को हील कर रहे हैं। प्रभु आप इन्हें स्वस्थ करें, प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे और आप इनकी जिंदगी को नया बनाएं। थैंक यू फॉर डूइंग इट, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, जितने निराश उन सबको ब्लेस कर दीजिए, हर एक की घटी पूरी कीजिए और इनको आनंद से परिपूर्ण कीजिए, सही समय इनकी जिंदगी में चमत्कार को कीजिए। धन्यवाद ऐसा करने के लिए, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर माय सिस्टर। प्रार्थना के दौरान जो चमत्कार जो आशीषें आपने प्राप्त किए, हमारे प्रेयर टावर पे कॉन्टेक्ट करें, हमसे संपर्क करें और हमें बताएं कि प्रभु ने आपके लिए जो बोला वो आपके जीवन में कितना अद्भुत तरीके से पूरा हुआ है। परमेश्वर की आवाज सुन चुके हैं, प्रेयर टावर पे कॉन्टेक्ट करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।